मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनीता चौहान है और मैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में हमारा जो अधूरा पार्ट था उसका स्वाध्याय भी हमने समझ लिया था। 11वां पार्ट था बस्तर का मोगली चैंद्रो, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर, जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है, ईमानदारी का इनाम, ठीक है। तो पाठ चालू करने से पहले मैं उसका थोड़ा सा आपको स्टोरी उसकी थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ कि इस कहानी में क्या है, ठीक है। जो हमारा ईमानदारी का इनाम, ईमानदार मानस, इसमें एक छोटे से गांव में रहने वाले लकड़हारा, ठीक है, जो लकड़ी काटने का काम करता है और वो लकड़ी बेच के अपना घर चलाता है, ठीक है। और उसमें से ही वो अपने खाने पीने की सारी चीज़ें खरीद के लाता है। और एक दिन वो लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है और उसको एक पुल में से पसार होना पड़ता है, ठीक है। तो पुल पर वो खड़े रह के रोज़ जो बहती नदी है उसको वो देखता है, क्योंकि उसका पानी उसको बहुत पसंद है। तो वो एक दिन देख रहा था और उसकी जो हाथ की लकड़ियाँ काटने के लिए आती है कुल्हाड़ी, वो उसके हाथ में से अंदर गिर गई पानी में। फिर वो तो परेशान हो गया, क्योंकि वो तो लकड़ियाँ काटता था और लकड़ियाँ जितनी भी काट के लाता था उसको बेच के वो अपना घर चलाता था। फिर वो उसकी अभी तो कुल्हाड़ी ही पानी में गिर गई, तो अभी वो लकड़ी कैसे काटेगा, परेशान हो गया। परेशान हो के वो बैठ गया, एकदम उदास था। फिर आगे क्या हुआ मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको वो स्टोरी देखने में वरना मज़ा नहीं आएगा। तो आप सब लोग तैयार हो मेरे साथ देखने के लिए, तो चलो मैं आपको एक अच्छा सा इसका वीडियो भी दिखाती हूँ और बीच बीच में मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगी भी, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो ईमानदार और मेहनती था। वो रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता और लकड़ी बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। जंगल में जाने के लिए उसे एक पुल पार करना पड़ता था। वो रोज तो मैंने बताया था ना आपको कि एक लकड़हारा था और रोज़ लकड़ी काटने के लिए वो बाहर जंगल में जाता था। जंगल में जाने के लिए उसको एक पुल में से पसार होना पड़ता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, रोज़ उस पुल पर खड़े होकर नदी में देखता था। उसे नदी का नीला पानी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो पुल पर खड़े होकर नदी के पानी को देख रहा था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में जा गिरी। तो ऐसे ही पुल में वो खड़े रहकर पानी को ऐसे देख रहा था और मन ही मन ऐसे खुश हो रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक उसके हाथ में से जो उसकी कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई, है ना। फिर क्या हुआ मैंने यहाँ तक आपको बताया था, है ना। फिर आगे क्या हुआ चलो देखते हैं। लकड़हारा बहुत दुखी हुआ और उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया। वो सोचने लगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता है, मैं अपनी कुल्हाड़ी नदी से कैसे निकालूंगा। तो देखा आप सबने, उदास होकर वो तो नदी के किनारे बैठ गया। आप अपनी टेक्स्ट बुक्स खोल के ही रखे ताकि उसमें आप पढ़ते भी जाओ, यहाँ से सुनते भी जाओ और देखते भी जाओ, ठीक है। तो लकड़हारा तो उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया और सोच रहा था कि मुझे तो तैरना भी नहीं आता है, अब मैं अपनी कुल्हाड़ी कैसे निकालूंगा बाहर। चलो देखते हैं वो क्या करता है अभी। तभी एक सुंदर जलपरी नदी से बाहर निकली। उसने लकड़हारे से पूछा, तुम उदास क्यों हो। लकड़हारा दुखी होकर बोला, नदी में मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है। तो देखा
क्या चमत्कार हुआ, एक सुंदर सी परी, जल परी बाहर आई और उसने लकड़हारा को पूछा कि क्यों उदास बैठे हो, क्या हुआ है। अब लकड़हारा अपनी सारी कहानी बताता है कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, अब मैं कैसे लकड़ियाँ काटूंगा, है ना। फिर जल परी ने क्या किया, चलो देखते हैं। जल परी बोली, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी से निकाल देती हूँ। जल परी नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर ले आई। सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा उदास हो गया। वो बोला, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल परी फिर नदी में चली गई। जब वो बाहर निकली, उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे ने कहा, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल परी ने कहा, फिर कोशिश करती हूँ। तो जल परी ने क्या किया, पानी में गई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेके आई। तो लकड़हारा तो देख के उदास हो गया। भला भाई, कोई सोने की कुल्हाड़ी देखता है तो उदास होता है नहीं ना, खुश होता है। लेकिन लकड़हारा उदास हो गया, क्योंकि वो बोला कि ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी तो सोने की नहीं थी। फिर वापस जल परी अंदर गई और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आई। फिर भी लकड़हारा बोला कि ये भी मेरी नहीं है। फिर जल परी बोली कि मैं वापस ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस बार जल परी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। अपनी कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा खुश होकर बोला, हाँ हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल परी लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई और बोली, तुमने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देखकर भी लालच नहीं किया, अब मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियाँ देती हूँ, यही तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तीनों कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को देकर जल परी नदी के अंदर चली गई। सीख, ईमानदारी का फल मीठा होता है। तो देखा आप सबने कि कैसी लकड़हारा की ईमानदारी इसमें दिखाई दी, है ना। पहले उसको सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, फिर भी उसने नहीं बताया कि ये मेरी है, वरना कोई सोने की देखता है, चांदी की देखता है तो यही बताया है कि हाँ हाँ ये मेरी है ना। लेकिन उसको लालच आई नहीं, और फिर जो जल परी लोहे की लेके आई कुल्हाड़ी, तो वो खुश हो गया, क्योंकि वो उसकी कुल्हाड़ी थी, और जो सोने और चांदी की थी उसमें उसका लालच बिल्कुल ही दिखाई नहीं दिया। इसलिए जल परी बहुत खुश हुई और उसने खुश होकर तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारा को दे दी, और लकड़हारा बहुत खुश हो गया। तो बच्चों, हमें भी इसमें से अपने ईमानदार बनना सीखना है, है ना। और हमेशा हमें ईमानदार ही बनना चाहिए, और जो चीज़ हमारी है वही हमें लेनी चाहिए, जो उससे भी अच्छी चीज़ें देखकर हमें लालच नहीं करनी चाहिए, है ना। तो हमें इसमें से भी सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है। जैसे लकड़हारा को मिला ना तीनों के तीनों, उसकी लोहे की तो मिली ही, लेकिन साथ में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उसको इनाम में मिली। तो आप सबको कैसी लगी ये कहानी, अच्छी लगी ना। तो आपको भी इस कहानी से सीख लेनी है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में यहाँ तक ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।